हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू चेंज द नरेशन। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक ग्रामर के कर चुके हैं और उसमें से हमने एक डिटेल टॉपिक भी क्लियर आउट किया था, डिटेल टॉपिक भी हमने डिस्कस किया था। अभी जो हम देखने वाले हैं कि किस तरह से नरेशन चेंज किया जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस और थ्योरेटिकल नॉलेज, उन दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। बिकॉज आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो फिर डेफिनेटली यू गॉट द गुड आइडिया अबाउट द टॉपिक। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है और वो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसका टॉपिक का प्रैक्टिस किया जा सकेगा। चेंज द नरेशन, इसमें सीधे सीधे हमें पता होता है कि दिस इज़ अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? तो जब दो लोग आपस में बात करते हैं फेस टू फेस, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्टली आपने उसके सामने वर्ड्स दिए, तो ये वर्ड्स हम क्या करते हैं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। बट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच एक आदमी ने जिससे कहा, मीन द डिस्कशन बिटवीन द टू पीपल, जो लिसनर होता है या फिर थर्ड पर्सन होता है वो किसी और को बताता है। तो जो स्पीकर है, स्पीकर वहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है, उसके वर्ड्स को वो अपने तरीके से चेंज करता है और किसी और को बताता है, ठीक है। जब भी किसी ने कोई वर्ड्स बोले तो वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। चेंज कैसे होते हैं? तो उसका टाइम चेंज होता है, उसका प्लेस चेंज होता है और उसकी और टेंस वगैरह सब चेंज हो जाते हैं, वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, उसका पोजिशन चेंज हो जाता है। तो ये चेंज हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा जो वो निकाल देते हैं क्योंकि उसने वो कहा ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस किस तरह से उसकी हो सकती है। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर ये वीडियो पूरा देखिए, इंटरेस्टिंग होने वाला है बहुत सारा और आपको बहुत सारी जो आइडियाज़ है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। कुछ शीट मैंने आपके लिए बनाया है तो ये शीट ज़रूर हमें देखने पड़ेंगे। तो पहला शीट है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन देयर, दे सेड दे हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज। अब इसमें क्या है कि दे सीड, ये जो है उसका रिपोर्टेड वर्ब है और दे हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज, ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच है। अब रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति है संबंधित, जो कुछ रिलेटेड पर्सन है, वो कुछ शब्द कहता है, कुछ वाक्य कहता है, तो वो सेंटेंस वो यहाँ पे देता है। तो आपको हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो चार टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। एक इंट्रोगेटिव होता है, एसर्टिव होता है, इम्पेरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। तो इसी के हिसाब से हमें उसमें चेंजेस करने होते हैं। तो डायरेक्ट सेम टू सेम चेंजेस नहीं होते हैं। अगर ये एसर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पे आपको सीड का जगह पे टोल्ड यूज़ करना होगा और यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा निकालने के बाद हम बहुत सारे चेंजेस करते हैं जो भी सारे प्रैक्टिस में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्या करें। तो रिपोर्टेड स्पीच है, सॉरी रिपोर्टेड वर्ब है, उसमें दे सेड, तो ये सेड इसकी वजह से चेंज होगा और ये सेंटेंस इसकी वजह से चेंज होगा, मतलब दोनों का इफेक्ट दोनों के ऊपर होता है। तो यहाँ पे ये एसर्टिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे सेड की जगह पे टोल्ड हम कर देंगे, या फिर सेड ही रहेगा तो भी चलता है, तो सेड टू स्पेशली टोल्ड हो जाता है। तो इसमें हम दे टोल्ड और दे सेड डबल इन्वर्टेड कॉमा निकाल के उसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे दैट, ओके। और अब ये है परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट सेंटेंस है, दे हैव बीन टॉकिंग, तो इसका हम कंटिन्यूस परफेक्ट पास्ट में बना देंगे, प्रेजेंट का हम कर देंगे पास्ट में, ठीक है। तो चलिए किस तरह से होगा, दे सेड दैट दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज, तो उसका टाइम चेंज करेंगे, प्लेस चेंज करेंगे और पर्सन चेंज करेंगे। तीन चेंजेस हमें करने होते हैं, पर्सन, प्लेस एंड टाइम। टाइम मीन्स अ टेंस, तो टेंस चेंज हो गया, उसका प्लेस चेंज हो गया तो प्लेस आ जाएगा और पर्सन भी वहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दे सेड दे टूक एक्सरसाइज। अब सेम एग्जांपल है, सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि टूक ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, ओके। दे सेड दैट दे टूक एक्सरसाइज, तो इसको हम अच्छी तरह से करेंगे, इसका सिंपल पास्ट टेंस का हम करेंगे सिंपल परफेक्ट पास्ट में, बिकॉज जब वो ये सेंटेंस बोले थे तो ये तब सिंपल पास्ट टेंस था, तो हो गया, अभी एक्शन तो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो उसको हम कंप्लीट टेंस में चेंज कर देते हैं। दे सेड दे टूक एक्सरसाइज का हो जाएगा दे सेड दैट दे हैड टेकन एक्सरसाइज। तो ध्यान में रखिए कि सिंपल पास्ट टेंस का परफेक्ट पास्ट टेंस में हो जाएगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में करना होगा।
थर्ड एग्जाम्पल दे सेड दे वेयर टेकिंग एक्सरसाइज, सेम सेंटेंस हम उसको चेंजेस कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा. दे सेड दे वेयर टेकिंग एक्सरसाइज, दे वर टेकिंग एक्सरसाइज. तो यहाँ पे दे वर टेकिंग है तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसको किस तरह से करेंगे. यहाँ पे दे सेड दैट दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज, तो उसका सिंपल कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है, तो कंटिन्यूअस पास्ट टेंस को हमने कर दिया कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस में. ठीक है, दे सेड दैट दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज. नेक्स्ट है दे सेड दे हैड टेकन एक्सरसाइज. अब ये परफेक्ट पास्ट टेंस है तो ऑलरेडी वो उसी में रहेगा, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे. दैट विल बी दे सेड दैट दे हैड टेकन एक्सरसाइज, तो सिर्फ दैट लगा के हमने उसे बना दिया. लास्ट वन सेंटेंस दे सेड दे विल टेक एक्सरसाइज. अब यहाँ पे विल का हम वुड में चेंज करेंगे या फिर हमें उसको पास्ट टेंस में बनाना पड़ेगा. अब ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है तो उसको फ्यूचर का पास्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो विल का हम कर देंगे वुड. तो यहाँ पे इस तरह से चेंज होगा, दे सेड दैट दे वुड टेक एक्सरसाइज. ठीक है, सिर्फ उसका फॉर्मेट ही चेंज करेंगे, पूरा तो हम चेंज नहीं कर सकते, उसको दे हैड नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए विल का हमने किया वुड. नेक्स्ट शीट, नेक्स्ट शीट में ये होगा दे से शी सेज आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर. नाउ सी, यहाँ पे एक गड़बड़ बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं कि डायरेक्टली उसको पास्ट टेंस में बनाते हैं. तो यहाँ पहले ये देखिए कि वो सेज है, वो प्रेजेंट में है ऑलरेडी, तो प्रेजेंट में ही उसका हमें बनाना होगा. आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई हैव बीन राइटिंग, इस तरह से उसका हो जाएगा. ठीक है, तो शी सेज दैट शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर ब्रदर. अब यहाँ पे हम शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये प्रेजेंट टेंस में है. ठीक है, वो कब होगा, जब यहाँ पे सेड होगा तो आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर. ये अगर यहाँ पे पास्ट टेंस होगा तो, अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो इसके लिए हमने जैसा सेंटेंस है वैसा का वैसा वहाँ पे लिख दिया, तो सिचुएशन चेंज नहीं हुई इसलिए. अब यहाँ सेम टू सेम सारे प्रेजेंट टेंस में आएंगे. She says, I was not writing a letter to my brother. अब वैसा है, ऊपर का जो सेंटेंस है वैसा का वैसा उसे लिखना है. सिर्फ होगा कि यहाँ पे I का चेंज होगा, पर्सन चेंज होगा टू, और यहाँ पे माई ब्रदर की जगह पे हर ब्रदर हो जाएगा. She says that she was not writing a letter to her brother. ऐसे वहाँ पे हमें चेंज करना होगा. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, She said to me, अब यहाँ पे said to का हो जाएगा told. She told me, और यहाँ पे ये जो double inverted comma comma निकल जाएगा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे I am writing का हो जाएगा she has been writing a letter to her brother. ठीक है, she was writing भी होगा, she told me, तो स्पेशली आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको she was writing भी होगा और she has been writing a letter भी वहाँ पे चल सकता है. ठीक है, दोनों यहाँ पे चलेंगे, और स्पेशल ध्यान में रखिए कि दोनों फॉर्मेट आप ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट वन, द टीचर सेड टू मी शट द डोर. अब यहाँ पे ऑर्डर है, दिस इज़ अ कंप्लीट ऑर्डर. टीचर ऑर्डर्ड मी और शट द डोर. शट द डोर मीन्स ये टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर दे सकता है या फिर कुछ कमांड दी होगी, तो इसलिए वो करता है शट द डोर. तो यहाँ पे टू शट द डोर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, वहाँ पे कोई सब्जेक्ट ना होने के, इम्पेरेटिव सेंटेंस होने की वजह से यू शट द डोर है, तो ये टू शट द डोर हो जाएगा, दैट वहाँ पे नहीं लगेगा. टीचर ऑर्डर टू मी टू शट द डोर. नेक्स्ट वन, ही सेड टू मी शट द डोर. अब सेम टू सेम होगा ही सेड टू मी. अब ये टीचर ने ऑर्डर दे सकता है, लेकिन कोई फ्रेंड अगर होगा तो वो ऑर्डर नहीं देगा, रिक्वेस्ट कर सकता है, तो उसने रिक्वेस्ट की होगी ही रिक्वेस्टेड टू मी टू शट द डोर, इस तरह से वो हो सकता है. ठीक है, तो ही मतलब ये फ्रेंड होगा, कोई और हो सकता है रिलेटिव्स में, तो टीचर ऑर्डर देता है, बाकी कोई होगा तो रिक्वेस्ट करेगा. नेक्स्ट वन, आई एम हैप्पी शी सेड. अभी कभी कभी एग्जाम में ये भी होता है कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब ये दोनों की जगह कभी कभी चेंज हो जाती है, तो आपको ये ज़रूर देखना है कि उसको जो भी आपका रिपोर्टेड वर्ब का, अगर आपको ये साइड में, तो आपको हमेशा लिखना है कि सबसे पहले
ये जो शी सेड है, तो इस शी सेड को आपको यहाँ पे पहले यूज़ करना है एंड देन रिमेनिंग सेंटेंस यू विल जॉइन विद द रिपोर्टेड वर्ब। तो किस तरह से करेंगे, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, टेंस चेंज करना होगा। नेक्स्ट वन, आई एम रीडिंग अ बुक, ही एक्सप्लेन, ही एक्सप्लेन दैट आई एम, ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो इस तरह से आप उसका चेंज कर सकते हो, ही एक्सप्लेन दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। अगेन, शी सेड ही हैज़ फिनिश हीज फूड। अभी कंप्लीट पास्ट टेंस, कंप्लीट प्रेजेंट टेंस है, तो उसको आपको कंप्लीट पास्ट टेंस में चेंज करना होगा। हैज का हो जाएगा हैड और दैट से वहाँ पे जोड़ देंगे, शी सेड दैट ही हैड फिनिश द फूड, हिज फूड। इस तरह से आप उसे चेंज करोगे। नेक्स्ट वन, आई हैव बीन टू गुजरात, ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा कि आई हैव बीन टू गुजरात। तो यहाँ पे आई का मतलब हो जाएगा कि ही, ठीक है, ही हैज़, गलती से यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गई होगी। तो यस, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन टू गुजरात, तो उसने मुझे कहा कि वो गुजरात में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैव बीन का हैड बीन में चेंज कर देंगे, देयर फोर इट विल बी चेंज इन टू द हैड बीन। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन टू गुजरात। नेक्स्ट सेंटेंस फोर्थ नंबर शीट में देखेंगे, ही सेड ईरा अराइव ऑन मंडे। ईरा एक इस गर्ल का नाम है, तो ईरा अराइव्ड ऑन मंडे, तो ये आने आ गई है, ठीक है। शी अराइव्ड, शी हैड अराइव्ड, ऑलरेडी उसका आगमन हो चुका है, तो इसलिए क्या करेंगे, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल जो पास्ट टेंस है उस सिंपल पास्ट टेंस को हम कंप्लीट पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो शी ही सेड दैट ईरा हैड अराइव्ड ऑन मंडे, तो इस तरह से उसे कंप्लीट प्रेजेंट कंप्लीट पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। देन वी वेयर लिविंग इन गोवा, दे टोल्ड टू मी। अब ये दे टोल्ड टू मी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे टोल्ड को हम यहाँ पे इनिशियल प्लेस पर लेके आएंगे, शुरुआत यहाँ से करेंगे, दे टोल्ड मी, तो दे का टी कैपिटल होगा शुरुआत में। दे टोल्ड टू मी, टोल्ड मी दैट दे वेयर, ओके, दे वेयर लिविंग इन गोवा, तो वहीं पे हम उसको लगा देंगे वैसा का वैसा, या फिर दे वेयर लिविंग का हो जाएगा दे हैड बीन लिविंग। अगर दे वेयर लिविंग भी होता है तो भी आप लिख सकते हो, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सेंटेंस वैसे के वैसे हम लिखते हैं, वी वेयर का होगा तो दे वेयर लिविंग इन गोवा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी लिखते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ऐसा दोनों में ही नहीं, स्पेशली ये जो टेंस है कंप्लीट कंटिन्यूस कंप्लीट प्रेजेंट जो टेंस होता है, ये बहुत बार यूज नहीं होता है ग्रामेटिकल फॉर्मेट्स में, चाहे चेंदो वॉइस हो या फिर नरेशन हो या फिर डिग्री वगैरह हो, तो इसमें ये जो कंप्लीट कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव परफेक्ट जो टेंस है वो यूज़ नहीं होते बहुत बार। ही सेड आई विल बी इन कोलकाता टुमारो। अब यहाँ पे आई विल बी इन कोलकाता, आई विल बी का हो जाएगा वुड बी, ओके। ही सेड दैट ही वुड बी इन कोलकाता टुमारो, तो इस तरह से हम उसको चेंज करेंगे। तो विल बी का वुड बी हम करेंगे, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत बार कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछे जाते हैं, और इसके लिए ऑप्शन भी दिए जाते हैं, और शायद ये जो बाकी पार्ट होगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या किया जाता है, अंडरलाइन ब्लैंक हो जाती है, और उसके ऑप्शन आपको फोर ऑप्शंस में दिए जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बेटर प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन, शी सेड आई विल बी यूजिंग द कार नेक्स्ट फ्राइडे। अब यहाँ पे सेम आई विल बी है, ठीक है, यहाँ पे आई विल बी किया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको यहाँ पे समझ भी नहीं आता क्या किया है, तो वो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक समझ के भी छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत बार स्पेशली जो नॉन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनके बारे में हो सकता है शायद। तो शी सेड आई विल बी, तो आई विल बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, शी विल बी, सॉरी शी वुड बी यूजिंग द कार नेक्स्ट फ्राइडे। तो सेम वहाँ पे हम चेंज करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा निकाल के वहाँ पे दैट यूज़ कर देंगे, ओके। नेक्स्ट वन, शी सेड अलास आई एम अनडन।
ही सेड अलास आई एम अंडन, आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसमें क्या करेंगे हम अलास को निकाल देंगे, एक्सक्लेम्ड वहाँ पे यूज़ कर देंगे. ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अनडन, इस तरह से एक्सक्लेम्ड सैडली. अब ये सैडली जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड है, वो मैंने यूज़ कर दिया उसमें, दैट ही वॉज ब्रोक और ही वॉज अनडन. लास्ट वाला शब्द हम देखेंगे, स्पेशली इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से करते हैं वो देखने वाले. व्हाट आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन पूछा है. शी सेड, तो शी सेड को सीधा इनिशियल प्लेस पर लेके आएंगे, शुरुआत यहाँ से करेंगे. शी आस्क, अब यहाँ पे क्वेश्चन है तो आपको ध्यान में रखना है कि आस्क ही यूज़ होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, बताया नहीं जाता है, तो इसलिए शी आस्क्ड व्हाट शी वॉज डूइंग, सेम टू सेम वो आप यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ पे सिंपल कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस था तो कंटिन्यूअस पास्ट में बना दिया. नेक्स्ट वन, हैव यू कंप्लीटेड माय वर्क, ही सेड टू रानी. ही आस्क्ड रानी वेदर, अब यहाँ पे सिंपल ये जो है डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है यहाँ पे, तो ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं है, दिस इज़ अ वर्बल क्वेश्चन. अब वर्बल क्वेश्चन मीन्स जिसका जो आंसर है वो एक ही वर्ब में आता है, येस और नो में आता है, तो वो वर्बल क्वेश्चन होता है. तो यहाँ पे हमने पूछा कि येस और नो, तो इसका वेदर और इफ़ ये यूज़ करके हम उसको कंप्लीट करते हैं. तो क्या करेंगे, ही सेड, ही आस्क टू रानी, ही आस्क रानी और टू रानी यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे रानी होना चाहिए था. ही आस्क टू रानी वेदर शी हैड कंप्लीटेड हिज वर्क. शी सेड हु आर यू, तो हम पूछेंगे यहाँ पे शी सेड, शी आस्क हु ही वॉज, ये जो आर यू है तो इसको हम सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे. यू आर, आर यू का हो जाएगा, यू आर उसका पास्ट टेंस हो जाएगा, ही और शी वॉज तो दोनों हो सकते हैं, ही और शी दोनों हो सकते हैं, तो हमें पता नहीं है, तो एग्ज़ाम में आप ऐसे लिखेंगे तो बहुत बेहतर होगा. आर यू लिविंग इन गुजरात, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड टू मी वेदर आई वॉज लिविंग इन गुजरात, आई एम लिविंग इन. हाँ, और एक बात होगा कि यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है. आई एम लिविंग, यू आर यू लिविंग इन गुजरात, तो ये रहने की चीज़ है, ये यूनिवर्सल है, तो अभी तो पास्ट टेंस से हुआ नहीं, अभी मैं हूँ बताने वाला, तो डेफिनेटली यहाँ पे आई एम लिविंग इन गुजरात ये होगा, वेदर आई एम लिविंग इन गुजरात. तो ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो आपको उस सिचुएशन के हिसाब से ही चेंज करने होंगे. आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंस बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको बहुत प्रैक्टिस अच्छे से होगी. हमेशा आपका स्वागत रहेगा. आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और कोई सजेशंस होगा तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड सजेस्ट समथिंग. आपका सजेशंस, आपके लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें. एंड वेलकम ऑलवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.